गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। जैसा कि कल हमने आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज 13.1 की प्रॉब्लम नंबर 11 और 12 बताया। प्रॉब्लम नंबर हम 13 पे आ जाएंगे कि एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंस्टिंग ऑफ 300 इजी टू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट टू फॉल्स क्वेश्चन, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इज ए मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। देखिए, एक जो है इंस्ट्रक्टर जो है वो क्वेश्चन बैंक में 300 इजी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाता है। उसमें से एक उचित क्वेश्चन चुनने की प्रायिकता, याद कीजिए कि वो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन हो और मल्टीपल चॉइस। इसमें आप देखेंगे कि इजी कितने हैं ट्रू फॉल्स में 300, मल्टीपल चॉइस में 500, टोटल 800, इजी 800 है। डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में 200, मल्टीपल चॉइस में 400, यानी टोटल 600। अच्छा, ट्रू फॉल्स इसका जो सम होगा है 500 होगा, ट्रू फॉल्स का टोटल क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के 500 होंगे, मल्टीपल चॉइस के 900 होंगे और टोटल 1400 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू 1400, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 900, ये देखिए 900 है। अच्छा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज PE/M इज इक्वल टू 500/1400, 0000 कैंसिल 5/14। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज इक्वल टू 900/1400, 0000 कैंसिल हो जाएगा 9/14। PE/M E/M इजी क्वेश्चन हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो उसकी प्रायिकता निकालना है। PE/M/PM यानी 5/14 डिवाइड बाई 9/14, 5/14 इंटू 14/9, 14 कैंसिल 5/9। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आ जाएंगे। गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। देखिए, टू डाइस फेंकी जाती है, जब दो डाइस फेंकी जाएगी तो 36 सैंपल स्पेस होंगे, 36। अच्छा, इसमें कह रहा है कि टू डाइस जो है वो फेंकी जाती है डिफरेंट तरीके से, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इवेंट जो है सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4, यानी जो डाइस पे दोनों सम हो नंबरों का वो 4 के इक्वल। तो पहला क्या है, ए 1 3 1 3 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यानी टोटल इवेंट कितने हुए 3। अच्छा, बी क्या है, बी जो है टोटल सैंपल स्पेस होगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, डिफरेंट होने चाहिए, 1 1 नहीं हो सकते क्योंकि डिफरेंट कह रहा है, दोनों डाइस पे जो नंबर आए वो डिफरेंट हो, सेम नंबर ना हो, तो सेम नंबरों को हम हटा देंगे। 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, यानी बी का जो इवेंट हुआ वो 60 हुआ। अच्छा, जो है टोटल इवेंट कितना होगा, सैंपल स्पेस कितना होगा, टोटल सैंपल स्पेस 36 होगा, टोटल सैंपल स्पेस आपका 36 होगा। ए कब भी क्या होगा, दोनों में क्या मिल रहा है, 1 3 और 3 1 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका ए कब भी जो होगा वो 2 होगा। अच्छा, पी भी क्या है, बी 30 है, टोटल सैंपल स्पेस 36 है, 30/36 यानी 5/6 होगा। पी ए कब भी, ए कब भी 2 है, टोटल स्पेस 36 है, तो 2/36 1/18। PA/PB 1/18 डिवाइड बाई 5/6, 1/18 इंटू 6/5, 6 1 6 3 5 3 15, 1/15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि कंसाइडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन,
कह रहा है कि जो है एक डाई फेंका जाता है और जब थ्री आता है तो डाई को अगेन दोबारा फेंका जाता है। एनी नंबर कम्स टॉस ए कॉइन, फाइंड द कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट, द कॉइन शो टेल, टेल दिखाए। गिवन दैट एट लीस्ट वन डाई शो एज थ्री, एक डाई पे तीन होना मस्ट। देखिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा, वन एच वन टी, टू एच टू टी। अच्छा अब चूंकि टी आया लास्ट में तो फिर डाइस पे की गई थ्री वन मल्टीपल ऑफ थ्री है थ्री, टू मल्टीपल ऑफ थ्री है थ्री, थ्री मल्टीपल ऑफ थ्री है थ्री, फोर मल्टीपल ऑफ थ्री है थ्री, फाइव मल्टीपल ऑफ थ्री है थ्री, सिक्स मल्टीपल ऑफ थ्री है फोर एच फोर टी, फाइव एच फाइव टी, सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव सिक्स, ये सब मल्टीपल ऑफ थ्री होने की वजह से टेन नहीं लग रहा है, यानी टोटल जो सैंपल स्पेस हुआ वो आपका ट्वेंटी। ये क्या कह रहा है कि डाइस पे टेल आए, सेकंड डाइस पे टेल आए तो वन टी टू टी फोर टी फाइव टी, थ्री टी नहीं है, थ्री टी इसमें है नहीं। अच्छा बी क्या कह रहा है कि थ्री का आना मस्ट है, तो थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स सिक्स थ्री। अब ए कब बी क्या होगा, फाइव होगा, नल होगा, जीरो होगा, क्यों नहीं जीरो होगा, फाइव होगा, क्योंकि दोनों में कुछ मिल नहीं रहे हैं, फाइव होगा। पी ए कब बी क्या होगा, पी ए कब बी इज इक्वल टू जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि ए कब बी फाइव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कब बी जो है वो जीरो होगा। पी बी कितना होगा, सेवन बाई ट्वेंटी, क्यों, क्योंकि बी का सैंपल स्पेस जो है वो सेवन है और टोटल सैंपल स्पेस ट्वेंटी है, तो पी बी इज इक्वल टू सेवन बाई ट्वेंटी। पी ए बाई बी क्या होगा, पी ए कब बी बाई पी बी, यानी जीरो बाई सेवन बाई ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे, इफ पी ए इज इक्वल टू वन बाई टू, पी बी इज इक्वल टू जीरो एंड पी ए बाई बी इज, पी ए वन बाई टू गिवेन है, पी बी जीरो दिया है, पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए कब बी बाई पी बी, पी ए कब बी की कोई वैल्यू नहीं है, पी बी की वैल्यू जीरो है, जीरो से कोई नंबर डिफाइंड होगा तो नॉट डिफाइंड होगा, नहीं डिफाइंड होगा, यानी पी ए बाई बी नॉट डिफाइंड।